नमस्ते बच्चों, अभी हम समझते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच फॉर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर मल्टी स्टेप रिएक्शंस। आप लोगों ने कुछ क्वेश्चंस देखे होंगे जिसमें कुछ इक्वेशंस के कॉरस्पॉन्डिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वेरिएबल के टर्म में या न्यूमेरिक वैल्यू गिवन रहती है और किसी एक और इक्वेशन के लिए आपसे पूछी जाती है, है ना, जो रिजल्टेंट इक्वेशन बन सकती है डिफरेंट इक्वेशंस की। तो इन क्वेश्चंस को हम किस तरीके से सॉल्व करें वो समझते हैं, ठीक है। तो जैसे हम लोग ये जानते हैं कि किसी कोई इक्वेशन है, जैसे मान लीजिए इक्वेशन है ए प्लस बी, ये दे रहा है से ए बी। इस इक्वेशन के लिए अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K1, तो अगर आप इक्वेशन को रिवर्स करते हो, तो इक्वेशन को अगर आप रिवर्स करते हो, जैसे हमने लिखी इक्वेशन ए बी गिव्स ए प्लस बी, तो इस इक्वेशन के लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो पहली इक्वेशन का इन्वर्स हो जाएगा। मतलब अगर आपने इक्वेशन को रिवर्स किया तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू इन्वर्स हो गई, ये हम जानते हैं। दूसरा, हम ये भी जानते हैं कि अगर आपने किसी इक्वेशन को किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई किया तो वो फैक्टर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के पावर में चला जाएगा नई इक्वेशन के लिए। जैसे मान लीजिए जो फर्स्ट इक्वेशन है, इस फर्स्ट इक्वेशन को आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, है ना, जिसे आपने फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये इक्वेशन बन जाएगी 2a प्लस 2b, ये दे देगा 2ab। इसके लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा K2, वो हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशन के लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसके पावर में 2 हो जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर में 3 आ जाएगा, हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर में 1/2 आ जाएगा, ठीक है। और अगर आप दो इक्वेशंस को ऐड करते हैं, जैसे आपने एक इक्वेशन लिखी ए प्लस बी, ये दे रहा है सी, और ए प्लस सी दे रहा है डी, ये पहली इक्वेशन, या इसको मैं इक्वेशन ए कह लेता हूँ, इस इक्वेशन को मैं बी कह लेता हूँ, अगर इन दोनों इक्वेशंस को हम ऐड कर दें तो ये सी और ये सी कैंसिल हो जाएगा, तो नेट इक्वेशन आ जाएगी 2a प्लस बी गिव्स डी। पहली इक्वेशन के लिए अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K1, दूसरी इक्विलिब्रियम इक्वेशन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K2, तो जो थर्ड इक्वेशन बनेगी ओवरऑल इक्वेशन, उसके लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगी वो इन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स का प्रोडक्ट होगी, तो K1 इंटू K2 के बराबर हो जाएगी। तो ये तो हम लोग जानते हैं, है ना। तो इन्हीं रूल्स का यूज करके हम, ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसका हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि इन क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करें। जैसे क्वेश्चन है, एक इक्वेशन दी हुई, कंसीडर द फॉलोइंग इक्वेशन, एक इक्वेशन दी हुई है ए बी गिव्स ए प्लस बी, इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K1, दूसरी इक्वेशन दी हुई है ए टू गिव्स टू ए, इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K2, और तीसरी इक्वेशन दी हुई है बी गिव्स हाफ ऑफ बी टू, इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K3। आपसे पूछा गया है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने के लिए किसी इक्वेशन के लिए ए टू प्लस बी टू गिव्स ट्वाइस ऑफ ए बी। अब आपको ये इक्वेशन लेके आनी है यूजिंग दीज थ्री इक्वेशंस। जरूरी नहीं कि तीनों की जरूरत पड़े, कुछ केसेस में दो की भी पड़ सकती है, एक से भी हो सकता है, लेकिन ये पर्टिकुलर एग्जांपल में हम तीनों इक्वेशंस को यूज करके देखते हैं, ठीक है। तो आपको इसमें करना क्या है, डिफरेंट अप्रोचेस हो सकती है, एक अप्रोच में बता रहा हूं, है ना। तो इसमें आप देखिए, आप नजर रखिए फाइनल इक्वेशन हमको जो चाहिए। अब इसमें ए बी है प्रोडक्ट साइड पे, यहां पर ए बी है रिएक्टेंट साइड पे, तो पहली, अच्छा ए बी और किसी इक्वेशन में है भी नहीं, तो पहले तो आप ये रिएक्टेंट या प्रोडक्ट सिलेक्ट कीजिए जो केवल एक ही इक्वेशन में हमको नजर आ रहा है। तो ए बी जो है वो केवल एक ही इक्वेशन में नजर आ रहा है, और ये प्रोडक्ट साइड पे, तो एक तो इस इक्वेशन को हमें रिवर्स करना पड़ेगा, और दूसरा यहां पर 2ab चाहिए, तो इक्वेशन को रिवर्स करने के बाद में हमें 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो हमने इक्वेशन लिख दी, पहली इक्वेशन लिख दी हमने, फर्स्ट इक्वेशन को रिवर्स करके 2 से मल्टीप्लाई किया, तो रिवर्स किया तो क्या आ गया इक्वेशन ए प्लस बी, ये दे देगा ए बी। तो इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, तो मैं इसको K1 डैश कह लेता हूं, तो इसको रिवर्स करने पे तो हो जाएगा 1/K1। और दूसरा, अगर आपको इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 2a प्लस 2b गिव्स ट्वाइस ऑफ ab, तो ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ये कहां चला जाएगा, पावर में स्क्वायर, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई किया। तो ये तो हो गया पहला। अब दूसरी नजर डालते हैं हम फाइनल इक्वेशन में, a2 चाहिए हमें रिएक्टेंट साइड पे, यहां पर a2 भी कहां है, रिएक्टेंट साइड पे है, a2 और कहीं नजर नहीं आ रहा है, तो सेकंड इक्वेशन हम एज इट इज लिख देंगे। तो इसको मैंने लिखा इक्वेशन b, तो वो हो जाएगी a2 गिव्स 2a। अब इसके लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K2 डैश, वो किसके बराबर हो जाएगा, K2 के बराबर, क्योंकि इक्वेशन में कोई चेंज ही नहीं किया है। थर्ड जो स्टेप है C इक्वेशन, अब देखिए यहां पर रिएक्टेंट साइड पे है B2, यहां पर प्रोडक्ट साइड पे है B2, और दूसरा यहां पे B2 चाहिए, यहां पर हाफ ऑफ B2, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को रिवर्स भी करना पड़ेगा और 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो इस इक्वेशन को रिवर्स किया और 2 से मल्टीप्लाई किया, तो हाफ ऑफ B2 क्या हो जाएगा, B2, और ये क्या दे देगा 2B, तो K3 डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, रिवर्स किया है तो 1/K3, और 2 से मल्टीप्लाई किया है तो इसका स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए रिजल्टेंट इक्वेशन क्या आती है हमारे पास में, अब जो रिजल्टेंट इक्वेशन आएगी उसमें देखिए 2a रिएक्टेंट साइड पे, 2a प्रोडक्ट साइड पे कैंसिल,
टू बी रिएक्टेंट साइड पे, टू बी प्रोडक्ट साइड पे कैंसिल। तो इन तीनों इक्वेशन को अगर हम ऐड कर दें तो नेट इक्वेशन क्या मिल गई आपको, ए टू प्लस बी टू ये दे देगा ट्वाइस ऑफ ए बी। जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है वो यही है ना, जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है ए टू प्लस बी टू गिव्स ट्वाइस ऑफ ए बी यही है। और आपको इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है इन टर्म्स ऑफ के वन के टू एंड के थ्री। तो बस अब तीन इक्वेशंस को आपने ऐड किया है तो इनका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा इनके प्रोडक्ट के बराबर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा के वन डैश इंटू के टू डैश इंटू के थ्री डैश। तो यहां से जो के की वैल्यू आएगी दिस इज इक्वल टू के वन डैश की जगह क्या लिख लोगे आप, वन बाय के वन होल स्क्वायर इंटू के टू डैश, तो सिंपली के टू से रिप्लेस हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय के थ्री को किससे रिप्लेस कर दोगे आप, वन अपॉन के थ्री का स्क्वायर। तो ये रिलेशनशिप आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।